और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से, तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे और सब बातों पर विचार करने के बाद 3-4 दिन के अंदर में हम लोग एक जोर पर पहुंचेंगे। जिस समय समय मिलेगा हम लोग सब निश्चित तौर पर जा करके सरकार से अपना समर्थन वापसी के लिए हम लोग आज चले जाएंगे। हम तो अपनी बात, अपनी तैयारी की बात बोले थे कि हम 5 सीटों पर इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं कि हमको मौका मिलेगा तो वहाँ से हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो जीत करके संसद में जा सकते हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इंसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जब से महागठबंधन से जीतन राम मांझी आउट हुए हैं, तब से लगातार बिहार की सियासी गर्मी बढ़ गई है। और आपको बताते चले कि एक तरफ गर्मी से लोग परेशान हैं, वही राजनीतिक गर्मी भी बिहार में इन दिनों काफ़ी जोरों पर है। एक तरफ जहां 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, उससे ठीक पहले जीतन राम मांझी का महागठबंधन से आउट होना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तो झटका है ही, साथ ही विपक्षी एकता को भी सेंध लगाने की एक तरीके से कहा जाए तो कोशिश है। और आपको बताते चले कि आज जीतन राम मांझी अपने आवास पे तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक किए, कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक के बाद से उनके पुत्र संतोष सुमन ने निर्णय लिया है कि अभी राज्यपाल महोदय से जाकर के मिलेंगे और समर्थन सरकार से वापस करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि 2-3 दिनों के बाद दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने के बाद से सब कुछ फाइनल एक तरीके हो जाएगा। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे संतोष सुमन। और जाएंगे चाहे हमारा गठबंधन कैसे हो, हम अकेले चुनाव लड़े या थर्ड फ्रंट बना के लड़े, सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सब साथियों का विभिन्न तरीके का अपना अपना जो विचार है आया है, और लेकिन अंत में सब, मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन सब सदस्यों का एक ही विचार आया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संरक्षक महोदय का विचार होगा, सब पार्टी के एक कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जो हमारे संरक्षक महोदय का विचार होगा पार्टी हित में होगा। इसलिए मैं अपने आदरणीय संरक्षक महोदय को भी, अपने सभी सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को, माननीय विधायकों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, रमेश सिंह जी हैं, जितने लोग हैं सब ने मुझ पर विश्वास किया, मैं इसके लिए उन सबका धन्यवाद देता हूं। और उन लोगों ने मुझे ये अधिकृत किया कि हम पार्टी हित में, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के हित के लिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए अधिकृत किया गया। साथियों, ये मेरे सामने भी एक चुनौती भरा विषय है और मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। और हम समझते हैं कि जो विश्वास और जो आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा, पार्टी के बढ़ोतरी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन का विस्तार करने के लिए होगा, हम इस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम लोग आपको सूचित करेंगे। अभी आपको हम इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हमारे संरक्षक महोदय और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग ने आज डिसाइड कर लिया, हमारा विकल्प खुले हुए हैं, हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से, तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन हम थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे। और बहुत सारे लाइक माइंड पार्टियाँ हैं और कुछ बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी बातें होगी और सब बातों पर विचार करने के बाद 3-4 दिन के अंदर में हम लोग निचोड़ पर पहुंचेंगे और उस निचोड़ जो फलाफल होगा आपको खबर कर देगा। आज का जो हम लोग का विषय है, हम लोग सभी साथी जो यहाँ बैठे हुए हमारे माननीय सदस्य विधायक जो हैं, हमने सरकार का समर्थन दिया था, लिखित समर्थन दिया था। हम महामहिम महोदय, राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा है और आज संभवतः 5 बजे या 6 बजे का समय मिलेगा। जिस समय समय मिलेगा हम लोग सब लिखित तौर पर जाकर के सरकार से अपना समर्थन वापसी के लिए हम लोग आज चले जाएंगे। ये बातें आपको बता रहे हैं, बाकी आगे की जो भी रणनीति होगी अभी 2-3 दिन और इंतजार करना होगा। एनडीए से बात नहीं बनेगी तो दूसरा तीसरा फ्रंट भी है विकल्प के रूप में। देखिए, ये बात नहीं है कि बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी अभी विचार हमें एक शक्ति प्राप्त हुई और हमारे सम्मानित जितने सदस्य हैं हम लोग सब बैठेंगे एक बार फिर से और निश्चित तौर पर हम लोग सबसे बातें करेंगे और पार्टी हित में जो होगा, जो जनहित में होगा, कार्यकर्ताओं के लिए होगा और हमारी जो हम जिस गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं उसमें हम निर्णय लेंगे। चर्चा है, दबाव आपने बना दिया है 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के ऊपर, अरे आज तक हम लोग किन्हीं से सीट मांगे ही नहीं है, ना महागठबंधन में हम लोग मांगे थे, ये दबाव की बात कहाँ आती है।
हम तो अपनी बात, अपनी तैयारी की बात बोले थे कि हम 5 सीटों पर इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं कि हमको मौका मिलेगा तो वहां से हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो जीत करके संसद में जा सकते हैं। ये बात हमने कही थी, कोई दबाव नहीं है। जब बातें होगी कि नहीं से, तभी तो सीट की संख्या बताई जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। अभी बहुत प्री मैच्योर है साथियों। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप 2-3 दिन 4 दिन रुके, हम लोग दिल्ली से लौटेंगे। संतोष जी, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? समर्थन बाबू, दिल्ली जाने की वजह क्या है? संतोष जी देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली हम जा रहे हैं तो अपनी संभावनाओं को तलाश करने जा रहे हैं, और भी स्वास्थ्य कारणों से भी जा रहे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर कि सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और 2-3 दिन का समय दीजिए, हम दिल्ली से वापस आएंगे, एक स्पष्टता लेके आएंगे। देखिए, अभी अभी कोई तय नहीं है, दिल्ली जाने के बाद तय होगा तो आपको तो पता ही चल जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से संतोष सुमन ने साफ कर दिया है कि अब आज राज्यपाल महोदय से मिलने जाएंगे, अगर मुलाकात हो जाती है तो आज ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। यानी साफ साफ कहे तो नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद जो उनके विधायक हैं सरकार के समर्थन में हैं, अब वो सरकार के समर्थन में नहीं, अब विपक्ष में बैठेंगे। और आपको बताते चले कि दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हो सकता है अमित शाह से भी मुलाकात हो। अभी उन्होंने बताया कि कन्फर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात होगी। जिस तरीके से NDA में कयास लगा जाए कि NDA में वापसी होगी उनकी, अब देखने वाली बात होगी कि 2-3 दिन बाद क्या निकल करके कुछ सामने आता है, क्या जीतन राम मांझी NDA का रुख करते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।